प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। किसान आंदोलन के शुरू होने के बाद से ही मीडिया ने किसान आंदोलन को कभी खालिस्तानी बताया तो कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश। आज की वीडियो में देखते हैं कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद गोदी मीडिया के एंकर की क्या प्रतिक्रिया रही। न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों को वापस लेने वाले ऐलान पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अमन चोपड़ा सरकार द्वारा लिए इस फैसले पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को घेरते नजर आए। देखिए, इसका उत्तर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसको बड़े ध्यान से मैं बता दूं कि जहां तक ये तीनों कानून है, इस कानून में कोई खोट नहीं है। यह कानून किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए था। यह कानून बहुत अच्छे नियत के साथ लाया गया था और इस कानून में पूरा संपूर्ण समर्पण के साथ ये कानून बनाए गए थे। किसी प्रकार का खोट कानून में नहीं है। खोट हमारी तपस्या में जरूर रह गई कि किसानों के एक वर्ग को हम समझाने में समर्थ नहीं रहे। संबित, दूसरे वर्ग की क्या गलती, वो सड़कों पर नहीं उतरा, ये गलती है उसकी, फिर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब जो सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन कराओ, अपनी मांगे मनवाओ, कानून वापस करवाओ, वो उसकी क्या गलती बेचारा जो सड़कों पर नहीं उतरा, जो मंडियों की बंदिशों से आजाद होना चाह रहा था, उसकी क्या गलती थी भाई? जो बिचौलियों की बंदिशों से आजाद, उसकी गलती ये थी कि वो सड़कों पर नहीं उतरा ना। आप लोग ब्लैकमेल हो गए, आप लोगों ने मान ली मांगे, उसकी ये गलती, वो सड़कों पर नहीं उतरा, उसने सड़कों को बंधक नहीं बनाया, देश को बंधक नहीं बनाया, ब्लैकमेल नहीं किया ना, बस ये गलती है। वो भी अब सड़कों पर उतरेगा, फिर आप वापसी कर लेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो मैसेज के जरिए प्रधानमंत्री को कानून रद्द करने के फैसले पर आपत्ति जाहिर की और कुछ सवाल भी करते नजर आए। ये कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मुझे, मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। या फिर इस देश में लाखों लोग, अगर मान लीजिए 20 लाख लोग खड़े हो जाएं, एक साल के लिए आंदोलन कर दें कि हमको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो आप इनकम टैक्स हटा लीजिए कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए कि उनका टैक्स देना देश के लिए कितना जरूरी है, तो सब पर से टैक्स हटा लेते हैं। आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो आपके वोट में इतनी चोट नहीं कर सकता अपने वोट से। आज तक पर इस मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया तो उन्होंने एंकर को इस बात पर घेर लिया, जिसके बाद अंजना ने कृषि कानूनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अंजना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहते थे तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो? आपको आप वो भी सुन लेते हैं क्या जिसे कहा नहीं गया हो? आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं न कहीं पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, दो बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं, हमने कृषि कानून के जो फायदे हैं, नुकसान है, दोनों दर्शकों के सामने रखा। जो किसानों के मन में है, शक है, वो भी रखा। लेकिन आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता, और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहाँ पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए। पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए में इन कृषि कानूनों को लेकर बात की और इसमें वह सरकार का बचाव करते ही नजर आए। वर्ष 1975 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार, और उस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आज खुश तो बहुत होगे तुम। हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज खुश तो बहुत होगा, क्योंकि उसने हमारे देश की राजनीति को बैलगाड़ी के युग में धकेलने की कोशिश की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 418 दिनों के बाद देश की संसद द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, और बहुत सारे लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे किसानों की जीत कह रहे हैं, विपक्षी दल इसे अपनी जीत मान रहे हैं, खालिस्तानी इसे अपनी जीत कह रहे हैं, और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग भी आज तालियां बजा रहा है। तो आखिर ये किसकी जीत है और किसकी हार? हम ये भी जानते हैं कि आज पूरा देश जी न्यूज देख रहा है, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि हमारी इतनी जबरदस्त कवरेज के बाद हम आज इस पूरी घटनाक्रम का विश्लेषण कैसे करेंगे। तो रिपब्लिक भारत पर इस मुद्दे पर हुई डिबेट में पत्रकार ने सरकार का बचाव किया
और विपक्ष की आलोचना भी की। आप खुद देखिए वे क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देश को संबोधित किया और ये बात साफ कर दी कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले रही है। तो मैं सच बोल रहा हूं, मानिएगा, विपक्ष की हालत ही वो समझने को तैयार नहीं था। विपक्ष कहने लगा ये कैसे हो गया। विपक्ष कह रहा है अरे मोदी तुम वापस ले लोगे तो हम राजनीति किस पे करेंगे। विपक्ष, मेरे को कई लोगों ने फोन किया, अरे अब पंजाब में क्या होगा, अरे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा। एक तो विषय था, एक तो मुद्दा था, एक तो चीज थी जिसपे हम सोच रहे थे कि इस बार मोदी को हरा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा नियत ठीक थी, निशाना ठीक था, अगर समझा नहीं पाए हैं तो माफी मांग के वापस लेते हैं। आप इस वीडियो पर जो भी राय रखते हैं कमेंट कर हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।